सो हेलो एंड स्वागत है आप सभी का सिंगल वीडियो पर। ये है हमारे पास थार फोर व्हील ड्राइव। देखो यार, बहुत लोगों के क्वेश्चन आया भाई तुमने फोर व्हील ड्राइव क्यों लिया और 4x2 क्यों लगा रहे हो। देखो यार, आज के टाइम पे ना फोर व्हील ड्राइव, मैं बता रहा हूँ, ये जो ये बैचिंग है ना, ये इस जगह पर मालूम चलती है कहाँ अपनी गाड़ी खड़ी है। ये देखो एक बार, जो जगह है ना यहाँ पे, इसी जगह पे इसका असली वैल्यू पता चलता है। देखो यार, मेरा क्या रोल था ना कि चलो ठीक है, एक पल को हमने ये बना भी ली है ना, उससे मैटर नहीं करता भाई कि अपन ने क्या किया क्या नहीं करता। देखो, ये लेने का मेरा मेन मकसद था कि अपने को ना ये ऐसी जगह पे ऑफ रोडिंग करनी थी, लिटरली बता रहा हूँ, ऑफ रोडिंग करनी थी, ठीक है। तो मैं आज लेके आया था ऐसी पैच पे ताकि अपन ऑफ रोडिंग करें और गाड़ी की रियल वैल्यू पता चले कि हाँ ऑफ रोडिंग में कैपेबल है कि नहीं है। बाकी देखो यार, घर से मैं लाया था एकदम साफ करके, यहाँ ऑफ रोडिंग करते करते एकदम धूल मिट्टी जम गई है। और यार देखो, मेन बात है कि मैंने ये क्यों ली गाड़ी, काफ़ी लोग की क्वेरी ये थी कि भाई आपने फोर व्हील ड्राइव क्यों ली, 4x2 क्यों ली, क्योंकि 4x2 अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है, ठीक है। पहली बात तो यार देखो, उसका जो वेटिंग पीरियड है बहुत लंबा है ना, आज बुक करोगे भाई आज से 18 महीने कम से कम लेगी वेटिंग पीरियड का। भाई मेन पंगा था ना ये कि मुझे करनी थी ऑफ रोडिंग। यार सबको पता है भाई, फोर व्हील ड्राइव आ चुकी, 4x2 दो साल पहले 3 साल पहले आई थी, लेकिन यार 4x2 लेने का मेरा कोई भी मूड नहीं था। मेन पंगा बताऊँ क्या है भाई, ऐसी गाड़ी को मैंने भी 4x2 को टेस्ट करा, यहाँ पे कोई भी भाई यहाँ पे कैपेबल नहीं है। देखो मेरी गाड़ी कितनी वहां तक गई थी, मैं को दिखा रहा हूँ, जूम करके दिखा दो भाई, मेरी गाड़ी यहाँ से, मेरी गाड़ी यहाँ पे अटक गई थी, देख रहे हो ये। तो ये पैच है बिल्कुल अटकने वाला हिस्सा, जिसके कारण मुझे नहीं लगता कि गाड़ी 4x2 वर्थ है। अगर देखो ओनली रोड पे चलानी तो मैं 4x2 ही लूंगा, क्योंकि मेरे को डजंट मैटर ऑफ रोड नहीं करनी नहीं है। लेकिन देखो, मेरा वेरिएंट है 4x4 2023 मैनुअल। अब मैंने मैनुअल क्यों ली, काफ़ी लोग कह रहे होंगे भाई जब ऑटोमेटिक आ चुकी मैनुअल क्यों। भाई मुझे रेस पेडल नहीं खेला था, 10 बार बोल चुका हूँ मैं, इसीलिए मैंने थार ब्लैक कलर में मैनुअल ली। अरे मेन पंगा ये है ना, देखो जितनी बार आप इसको पोछोगे उतनी बार गंदी होती रहेगी ऐसी गाड़ी। देखो स्क्रैचेस में कपड़ा साफ करती है, स्क्रैचेस लग जाते हैं, देखो साफ पता चल रही भाई चमचमाती गाड़ी के स्क्रैचेस कैसे लगते हैं ना। बाकी यार देखो, मेरा ओपिनियन है, काफ़ी लोग ये बोल रहे होंगे भाई तू हर वीडियो में 4x2 क्यों लिखता है, तो यार हर वीडियो में 4x2 क्यों लिखता है। अभी ये गाड़ी मैं 4x2 में ही चला रहा हूँ, तो इसलिए मैं 4x2 लिखता हूँ, अदरवाइज किसी को दिक्कत है तो भाई सॉरी, ये क्लिक बेट का एक जरिया है ताकि थोड़े बहुत व्यूज आ जाए, ठीक है। बाकी आप लोग से रिक्वेस्ट करते हो यार, दिल पे मत लिया करो, ये छोटी मोटी चीज़। देखो 4x2 4x4 सेम है ना, बस ये दो व्हील ड्राइव और एक्स्ट्रा हो जाते हैं ना, बस अपने 4x2 में ये दो व्हील रहते हैं, 4x4 में चारों व्हील चलने जाते, बस यही डिफरेंस है और क्या डिफरेंस है। बाकी मेरा ओपिनियन है भाई मैंने क्यों ली, देखो पहला दो रीज़न बता देना ऑफ रोडिंग, दूसरा भाई आपको ना 4x2 पड़ रही है ऑन रोड आज की डेट में सर। तो भाई आज की डेट में भाई 4x2 हमको जो मिड वेरिएंट है ना, जो कि अपने 10 लाख एक शोरूम में नहीं, साढ़े ग्यारह लाख रुपये एक शोरूम की लोगे, 14.5 लाख रुपये की ऑन रोड आएगी, दिल्ली में तो 15 लाख पहुँचेगी जब आप एक्सेसरीज लगाओगे। तो भाई इतनी कॉस्टली, अब बताओ जब मैं 15 लाख की जब 4x2 ले लूँ भाई, 17 लाख में मेरे को ये मिली है ऑन रोड, 17 लाख में मैंने समथिंग 17.5 मान के चलो, 18 मान के चलो, क्योंकि एक्सेसरीज भी लगाई मैंने जो मुझे पसंद है, एक्सेसरीज और वारंटी एक्सटेंडेड वगैरह करके मेरे को 18 की पड़ी ऑन रोड। और यही अगर दिल्ली अभी कुछ रजिस्ट्रेशन के बारे में बताऊँ, ये नंबर ही बताऊँ किसकी वजह से मुझे 18 पड़ी है, अदरवाइज दिल्ली में लेता तो भाई 19 लाख की पड़ती आज मेरे को ऑन रोड। और भाई अब टैक्स भी बढ़ चुके हैं, लो 50,000 और बढ़ा लो, जो गाड़ी में बढ़े थे पहले अब 1,50,000 कर दो, यानी यार आज ये 18.5 के आसपास की मान के चलो, और 31 से पहले 31 तारीख तक थी ये समथिंग 4x2 भी मान के चलो, 14, 14.5 वही। देखो यार प्राइस रेंज कितना बड़ा गैप नहीं है, बेटर करता आपके 3 लाख रुपये कहाँ से हो रहे, आज की रेट में ये लूँगा मैं तो मुझे इन फ्यूचर बेचना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बाकी लोग की अपनी अपनी वो है क्वेरी कि क्या क्या है क्या नहीं, देखो मेन पंगा ये लोग ले तो लेते हैं बाद में इसको भाई खुद लगा लेते हैं, अब जब यार खुद ही लगाना था तो भाई तुमने 4x4 ही लेना था है ना, क्यों 4x2 में पैसे लगा दिए अपने 3 लाख रुपये और लगा के तुम भाई ये बैच ये इस पर बैच चिपका रहे हो। बल्कि ये देखो आ जाओ, ये ऑटोमेटिक भी नहीं है, मैंने अभी तक मैनुअल का इस पर ऑटोमेटिक का स्टिकर भी लगाया, देखो मैनुअल है यहाँ पे, ऑटोमेटिक का स्टिकर आता है पर्टिकुलर कि चलो यहाँ पे वो है, लेकिन अपन ने कभी ऐसा नहीं किया भाई, जो है गाड़ी वो है, मैं मैनुअल चलाना मुझे पसंद है तो मैंने मैनुअल ही। बाकी यार देखो डीजल है, डीजल सबको पता है क्यों लेते हैं यार, पावर ज़्यादा डीजल में, गाड़ी भग करके भगती है सब, ठीक है ना, और अभी तक इसे रैप भी नहीं उतारे मैंने, ऐसी गाड़ी है, गाड़ी नो डाउट बहुत अच्छी है, इन फ्यूचर आप ले सकते हो अगर आपका प्लान बने तो, इधर से क्योंकि यार गाड़ी में नो डाउट कोई भी कमी नहीं है, 4x4 बहुत अच्छी है, डीजल जब ये पुलिस वाले आए तभी कर लियो भाई, पुलिस वाले आए थे बीच में निकल गए थे तो फिर आ रहे, तो नो डाउट गाड़ी बहुत अच्छी है, आप लोगों के पर्पज़ से
उन लोगों के लिए पर्पस नहीं है जो भाई पर्टिकुलर अपने घर पे रखने के लिए खड़ी कर रहे हैं, उनके लिए जो भाई पर्टिकुलर ऐसी ऑफ रोडिंग पैच वगैरह करते हैं। अदरवाइज आप लोग घर पे रख के क्या ही करोगे 4x4 का, ठीक है 4x2 ले लो, उससे भी और रेंज की कमाती है। नेक्सॉन टाटा की बहुत सारी है, ये बहुत गाड़ी है जो भाई आपके काम की है। बाकी देखो शाम के 5:30 बजे और धूप कितना तगड़ा हो रहा है, देख लो आप लोग के लिए मैंने डेडिकेटेड 3-3 ब्लॉग शूट करा एक ही दिन में ताकि आप लोग को आगे कंटिन्यूस ब्लॉग मिले। अदरवाइज देखो मेरा कोई वो मोटिव नहीं था कि आप लोगों को मैं डीमोटिवेट करूँ, दिल से सॉरी मांगता हूँ अगर किसी ने 4x2 पे क्लिक करा हो और 4x4 की गाड़ी देख रहा हो ना, आई एम सॉरी भाई, मुझे माफ़ कर देना। बाकी बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, परफॉर्मेंस A1 है नो डाउट, आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा। बाकी 4x2 का देख ही लिया आपने कैसा प्रयास था, कोई समझ नहीं आया मेरे को कि कैसी कैसी नहीं। बाकी यही था वीडियो में, मिलते नेक्स्ट वीडियो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर छोड़ देना, ठीक है आपका भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो कितनी धूप में है, बस यही है, टिल देन बाय बाय।